हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम इन्होंने मुझे से प्यारे से व्यूज़ किया सो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था क्योंकि सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा सिमरन से पूछते हैं क्या कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर सिमरन झूठ बोल देती है और कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा बोलती ठीक है मुझे अभी जाना होगा तुम अपना ख्याल रखना। दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन की आंटी को इशारा करती है कि आप इसका ख्याल रखना मुझे कुछ काम है तो जाना ही पड़ेगा। ये बोल के दुर्गा वहाँ से चली जाती है और सिमरन जो है वो अपनी आंटी को रोते हुए कहते हैं कि आंटी प्लीज़ मुझे घर लेके चलो मुझे मुझे बस घर जाना है। उसकी आंटी कहती नहीं बेटा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हम घर नहीं जाएंगे। सिमरन फिर से रोते हुए कहती है आंटी प्लीज़ मुझे घर लेके जाओ मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है घर पे सेफ तो रहूँगी ना। तो उसकी आंटी कहती बेटा तुम यहाँ भी सेफ हो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ तुम इतना क्यों डर रही हो और तुम्हें किससे डर लग रहा है उन गंदी लड़कियों से वो अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। हाँ और मैं कल फिर से जाके प्रिंसिपल मैम से मिलूँगी समझी तुम। तो सिमरन मना कर देती है कि प्लीज़ आंटी कुछ मत करो बस मुझे घर लेके चलो प्लीज़। सिमरन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है क्योंकि सिमरन बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी बहुत डरी हुई सहमी हुई थी। यार जाहिर सी बात है जब एक लड़की की इज्जत पे बात आ जाए तो लड़की एकदम घबरा जाती है उसके लिए उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा कीमती होती है और सिमरन के लिए भी ऐसे ही था। वो एक छोटे से गांव से आई थी जिससे उसे शुरू से ही चलाकी वगैरह कुछ भी नहीं आती थी। वो बाकी शहर की लड़कियों की तरह ना चलाक तो बिल्कुल भी नहीं थी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में जीना पसंद था पढ़ना पसंद था अपनी अच्छी दोस्तों के साथ बातें करना घूमना पर ये सब उसके लिए नया था जो उसके साथ यहाँ पर हो रहा था। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है तो उसकी आंटी बेचारी उसे मना ही नहीं कर पाती और वो डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज पेपर साइन करती हैं और उसे वापस घर लेके आ जाती हैं। पर घर आके भी बेचारी सिमरन परेशान रहती है बहुत डरी हुई और सहमी सहमी सी रहती है। उसकी आंटी उससे पूछती तो है पर सिमरन कुछ बता ही नहीं पाती। सिमरन को मतलब अपनी बॉडी से ना अजीब सा कुछ हो रहा था क्योंकि उन गर्ल्स ने उसको मतलब बहुत बुरी तरह से छुआ था और किस तो उसे घिन आ रही थी उसे बस शावर लेना था और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। उसकी आंटी उसके लिए जो है वो खाना गर्म करके रूम में जब लेके आती है तो वो देखते हैं कि सिमरन रूम में नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाती है और आवाज़ लगाती है सिमरन तुम कहाँ हो। तभी उन्हें जो है टॉयलेट से आवाज़ आती है तो वो समझ जाती है सिमरन अंदर है और वो कहती है सिमरन बेटा जल्दी बाहर आओ खाना ठंडा हो रहा है। सिमरन बोलती है मैं शावर ले रही हूँ। तो उसकी आंटी कहती व्हाट बेटा क्यों डॉक्टर ने मना किया था ना तुम्हारे जख्मों पर पानी डलेगा तो अरे क्या कर रही हो तुम शावर मत लो तुम बस बाहर आ जाओ। सिमरन बोलती नहीं आंटी प्लीज़ जाओ मुझे शावर लेना है और ऐसे बोल के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। वो शावर का पानी जब यूँ टिप टिप करके नीचे गिर रहा था ना तो उसके शोर की वजह से उसके रोने की आवाज़ बाहर जा नहीं रही थी और सिमरन मुँह पर हाथ भी रख रही थी जिसकी वजह से उसके आंटी को नहीं पता चलता कि शायद सिमरन अंदर रो रही है और वो वहाँ से चली जा क्योंकि उन्हें सिमरन ने जाने को बोल दिया था। सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो अपनी बॉडी को ऐसे बार बार रब करने लगती है लेकिन उसे बार बार वही सीन याद आ रहा होता है कि किस तरह उस लड़की ने उसके नेक पे किस किया था। सिमरन इधर उधर देखती है और उसे ना नीचे पड़ा हुआ मतलब एक कुछ दिखता है मतलब वो अजीब सा कुछ था वो क्या था आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं पर वो उठाती है और उससे अपनी नेक पे रगड़ने लगती है जिसको उसकी नेक पे ना सारा मतलब स्वेलिंग से हो जाती है ऐसे रेड रेड रैश होने लगता है। वो फिर भी नहीं रुकती और बस रगड़ती रहती है और फिर खुद को जब वो आईने में देखती है उसकी नज़र अपनी लिप्स पर जाती है ओ माई गॉड। जबकि उन लड़कियों के लिप्स सिमरन के लिप्स को टच तक नहीं करते पर काफ़ी करीब थे इसलिए भी सिमरन को घिन आ रही थी। सिमरन अपने लिप्स को भी रब करना स्टार्ट कर देती है और रोने लग जाती है बार बार सोप लगा के घिस रही होती है अपने पूरे बदन पे मानो वो जैसे अपने बदन से ना कुछ गंदगी उतारना चाहती है जो उतर ही नहीं रही। और वहाँ पर दुर्गा जो है वो फाइनली अपनी मम्मा के पास बैठी होती है मतलब घर जाने के बाद अपनी मम्मा के पास बैठती है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक है उसकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंसिपल में आंटी ने ऐसा क्या कर दिया जो मतलब पापा घर भी नहीं आए और उन्होंने मम्मा को कुछ बोला भी नहीं मम्मा बिल्कुल ठीक है जबकि मैं सारा दिन घर भी नहीं थी। वो यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वापस से प्रिंसिपल मैम का कॉल आ जाता है। वो मम्मा को बोलती है कि मम्मा मैं एक मिनट में आती हूँ। उसकी मम्मा कहती है बेटा मैं फिर से तुम्हारे खाना ला के आ रही हूँ इस दफ़ा तुम कहीं गई ना मैं छोड़ूंगी नहीं। दुर्गा बोलती नहीं मम्मा बस कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। तो दुर्गा थोड़ा साइड पे जाती है और अपनी प्रिंसिपल आंटी से बात करने लग जाती है तो उसकी प्रिंसिपल आंटी कहती है कि बेटा ये तो अच्छा हो गया कि तुम वक्त पे पहुँच गए वरना आज तो वो लड़कियाँ पता नहीं सिमरन के साथ क्या ही कर देती। पता नहीं मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें इन्वेस्टिगेट तो कर चुकी हूँ इसलिए अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती लीगली क्योंकि वो मेरे कॉलेज में इस टाइम नहीं है लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा वो
वो एक बार ये कर सकती है तो वो बार बार कर सकती है, इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम हो सके तो तुम सिमरन के साथ ही रहा करो, जितना हो। दुर्गा बोलती, अरे रहती तुम और क्या, उसका परछाया बन के रह जाऊँ, बस करो, मैं उसकी बॉडी गार्ड नहीं हूँ। और उसकी प्रॉब्लम है, वो बच्ची थोड़ी है, उसे समझ नहीं आता, वो इतनी चूची नहीं है कि उसके साथ हमेशा 2-3 बॉडी गार्ड रहे, उसे अपनी हिफाजत ना खुद करना आनी चाहिए। और मैं भी तो उसी की एज की हूँ ना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ तो वो क्यों नहीं रख सकती। तो आंटी कहती है, बेटा वो एक छोटे से गांव से आई है, उसे ये दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है, उसे ये यहाँ की शहर की लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुमने देखा नहीं आज लड़कियों ने उसका क्या हाल किया। बेटा प्लीज़ मेरे लिए तुम ये कर दो। दुर्गा बोलती, ठीक है कर लूँगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ आपने ऐसा क्या किया जो डैड एक बार भी घर नहीं आया उन्होंने मॉम को। तो वो कहती, वो तुम मुझ पे छोड़ दो और ये सवाल मुझसे अब दोबारा मत करना, तुम्हारा काम हो गया ना, अपने काम से बस मतलब रखो। और ऐसे बोल के कॉल कट कर दे दिया। दुर्गा को गुस्सा आ जाता है, कहती अब काम के लिए कॉल करेंगी ना, फिर मैंने अच्छे से मदद सिखाऊंगी। और दुर्गा अंदर आती है और देखती है कि उसकी मम्मा उसका खाना लेके बैठी थी। और दुर्गा सॉरी बोलती है कि आई एम सॉरी मम्मा, आपने मेरे लिए खाना बनाया था और मैं बीच में छोड़ के चली गई, खाया भी नहीं, पर अब मैं अच्छे से खाऊंगी। और ऐसे बोल के खाना खाने लगते हैं। तो दुर्गा की मम्मा दुर्गा को बहुत प्यार से देख रही थी। दुर्गा बोलती है कि मम्मा क्या हुआ। तो उसकी मम्मा कहती, मेरी बेटी कितनी प्यारी हो गई है, कितनी सुंदर हो गई है। तो ऐसे बोल के ना उसकी नज़र उतारने लग जाती है। दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है कि आपकी ये बेटी को किसी की नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि कोई भी आपकी बेटी को देखना तक नहीं चाहता। और ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। दुर्गा की मम्मा कहती है कि तुमने क्यों खुद को ऐसा बना लिया है, हाँ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर दुर्गा कहती, मम्मा प्लीज़ मुझे खाना खाने दे, और कोई बात नहीं खाई जा रही, मुझे बस खाना खाना है, भूख लगी है। और ऐसे बोल के खाने लगती है। तो उसकी मम्मा भी उसे कुछ नहीं कहती हैं। और वहाँ सिमरन की आंटी एक बार फिर से उसके लिए खाना गर्म करके लाती हैं, पर देखती हैं कि अभी तक सिमरन टॉयलेट में है। तो वो घबरा जाती हैं और वो दोबारा पीटने लग जाती हैं दरवाज़ा कि सिमरन बेटा तुम ठीक तो हो, अभी तक अंदर क्या कर रही हो, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ, मुझसे बात करो, सब ठीक तो है। सिमरन कहती है, हाँ बस बस आ रही हूँ आंटी। और ऐसे ही बोल के जल्दी से चेंज करती है और बाहर आ जाती है। और उसकी आंटी देखती है कि मतलब उसने दुपट्टा नहीं पहना होता, जब शार्ली के बाहर आती है तो उसकी आंटी देखती है कि उसके नेक पे बहुत ही ज़्यादा मतलब रेड रेड रैश टाइप हो रहे हैं, और सिर्फ उसके बाजू पे नहीं, उसके हाथों पे, हर जगह पे। तो उसकी आंटी कहती है, ये क्या हो गया है, हाँ ये क्या किया तुमने, ये पहले तो नहीं था। सिमरन बोलती, वो नहाते हुए बस। तो उसकी आंटी कहती, व्हाट नहाते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बैठो इधर। तो ऐसे बोल के उसके नेक पे ट्यूब लगाने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया होता। और कहती, क्या बेटा ये जल रहा है। तो सिमरन मन में कहती है कि इस टाइम तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आत्मा जल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। पर उसकी आंटी फिर से पूछती है कि बेटा तुमसे हो क्या, ये जल रहा है। तो सिमरन बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी आंटी कहती, अच्छा तुम ये खाना खा लो, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो उसकी आंटी जो है वो सिमरन के टॉयलेट में हैंड वॉश करने के लिए चली जाती है। वो जो वहाँ जाती है तो मतलब वो उस पत्थर को देख लेती है, वो मतलब एक पत्थर टाइप था जिससे उसने अपनी पूरी बॉडी रगड़ी थी। तो उसके आंटी समझ आती है कि सिमरन ने ये किया, वो समझ आती है कि कुछ तो हुआ है, सिमरन कुछ तो छुपा रही है, जो चीज़ दिख रही है उससे ज़्यादा बड़ा मसला है। तभी तो सिमरन ने अपने साथ ये तक कर लिया। और वो बाहर आती हैं और वो सिमरन को देखती हैं पर कुछ भी नहीं बोलती हैं, और वो अपने रूम में चली जाती हैं। वो बहुत परेशान होती है और बस सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैंने सिमरन के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, बिल्कुल उसके माँ की तरह, पर यहाँ तो मैं उसका ख्याल तक नहीं रख पा रही हूँ। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, इतनी सी बच्ची को इतना सब कुछ क्यों फेस करना पड़ रहा है। सिमरन की आंटी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो बस सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि सिमरन की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि सिमरन तो कभी पलट के किसी को जवाब नहीं देगी। सिमरन के साथ जो जितना बुरा करे सिमरन चुपचाप बर्दाश्त करती रहेगी। और उस बात पे अब आंटी को गुस्सा भी आने लगता है कि आखिरकार इस जालिम दुनिया में मेरी सिमरन ऐसी क्यों है, मतलब क्या इस दुनिया में इकलौती सिमरन है जो इतनी अच्छी है, क्या बाकी सारे लोग बहुत बुरे हो गए, क्या आप सिमरन को भी बाकी लोगों की तरह बुरना मरना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, इस गंदी दुनिया में रहने के लिए। और वो यही सब सोच ही रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर कहती, नहीं मेरी सिमरन जैसी है अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि सिमरन भी दूसरे लोगों की तरह बुरी बन जाए, मुझे सिमरन को इस कॉलेज से निकाल के किसी और कॉलेज में एडमिशन दिलवाना होगा ताकि वो बच्ची अच्छे से सर्वाइव कर पाए, मैं उसे रोज़ इस हालत में तड़पते हुए नहीं देख सकती।
और वो ऐसे ही सोच के जो है वो एक दो कॉलेजेस में कॉल करती है और एडमिशंस की बात करती है, पर इस टाइम सारी की सारी सीट्स फुल हो चुकी थी, एडमिशंस क्लोज हो चुके थे। इस टाइम सिमरन का किसी और कॉलेज में एडमिशन होना तो इम्पॉसिबल था। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी कि अगर सिमरन अपना एक साल वेस्ट करे और एक साल के बाद फिर से वो ट्राई करे तो उसका एडमिशन ईजिली हो सकता था, पर सिमरन कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानती। ये बात तो आंटी भी जानती थी, इसलिए वो बहुत परेशान होने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि अब वो सिमरन की मदद करे तो करे कैसे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और वहाँ दुर्गा जो है वो अपनी मम्मा के साथ फिर से टाइम स्पेंड करने लगती है और उसकी मम्मा उसे जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने लग जाती है, जैसे वो बचपन में दुर्गा को सिखाया करती थी। दुर्गा कहती है कि मम्मा ये सब चीज़ें ना अब आजकल के ज़माने में नहीं चलती है, आजकल के ज़माने में अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे ना वो इंसान उल्टा आपका बुरा करके चला जाएगा। आजकल का वो ज़माना है कि अगर कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करो, वरना खुद से मदद भी करो ना तो एहसान फरामोश बन के कहेगा कि हमने थोड़ी इससे मदद मांगी थी। तो उसकी मम्मा हंसने लग जाती है और कहती है लगता है कि तुम्हारा आज तक किसी अच्छे इंसान से पाला नहीं पड़ा। दुर्गावती कमोन मम्मा, इस जालिम दुनिया में आपको लगता है कि भगवान जी ने अच्छे इंसान बनाए हैं? तो उसकी माँ कहती ऐसी बात नहीं है बेटा, इंसान सारे ही अच्छे होते हैं, बस भटक जाते हैं। दुर्गा बोलती मुझे तो आज तक सारे इंसान भटके हुए मिले हैं, शायद कोई इंसान सही रास्ते पे है ही नहीं। तो उसकी मम्मा मुस्कुराती हैं, उसके गालों को छूती हैं और कहती है कि एक दिन मेरी बेटी को वो अच्छा इंसान ज़रूर मिलेगा और वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग होगा जो वाइट घोड़े पे तुम्हें लेने के लिए आएगा। दुर्गा सुन के ही खड़ी हो जाती है, कहती मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई वाइट घोड़ा चाहिए, मैं अपनी लाइफ की ना प्रिंस चार्मिंग खुद बन सकती हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती ये क्या कह रही हो तुम? दुर्गा बोलती है कमोन मम्मा, आज के बाद मेरे साथ ये प्रिंस चार्मिंग वाली बात तो करना ही मत, मैंने आपका प्रिंस चार्मिंग देख लिया और वो काफ़ी था। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ऐसा नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुर्गा कहती माना हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन मर्द तो सारे एक जैसे ही होते हैं ना, खुत्ते की दुम चुप कभी सीधे नहीं हो सकते। तो दुर्गा की मम्मा गुस्से में कहती है दुर्गा इनफ, जबान संभाल के बात करो। तो वो कहती है कि ओके मम्मा आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ये प्रिंस चार्मिंग वाली बात गलती से भी मत करना, वरना आपको मेरे गुस्से का पता ही है। और दुर्गा ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। दुर्गा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी मम्मा उसके पास आती हैं, और जब वो आती हैं तो उनके हाथ में ना एक कटोरी होती है। दुर्गा कहती नो मम्मा प्लीज़, मुझे कोई चंपी नहीं करवानी है। तो उसकी मम्मा कहती मैंने तुमसे पूछा? तो ऐसे ही बोल के क्या बेड पे बैठ जाती है। तो दुर्गा हंसती है और कहती मानेंगी तो नहीं ना आप? तो दुर्गा ऐसे बोल के उठती है और बेड के नीचे बैठ जाती है। तो उसकी मम्मा उसके बाल खोलती है और चंपी करते हुए कहती अपने बाल तो देखो, हाँ जरा सा इनका ख्याल तो रखा करो, कैसे रूखे सूखे हो रखे हैं। तो दुर्गा कहती कम ऑन मम्मा, मेरे बाल अच्छे तो हैं। उसकी मम्मा कहती हाँ मुझे पता है जितने अच्छे हैं, रस्सी बना के रख दिया तुमने इसे, मेरी सारी मेहनत ख़राब कर दी, कितनी मेहनत की थी मैंने तुम्हारे बालों पे। तो दुर्गा मुस्कुराने लग गया। दुर्गा की मम्मा दुर्गा का बहुत ख्याल रख रही थी, उससे बहुत मस्ती बहुत प्यार कर रही थी और ये चीज़ दुर्गा को काफ़ी अच्छी लग रही थी। दुर्गा अपनी मम्मा के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है और फिर अपने मम्मा के फरहार पे किस करती है और उन्हें की गोद में लेट जाती है। दुर्गा की मम्मा उसके बालों को हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? दुर्गा बोलती हाँ मम्मा पूछो ना। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुमने आज तक मुझे अपने सपनों के बारे में कुछ खुल के क्यों नहीं बताया, तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो और ना ही तुम अपने साइकेट्रिक को कुछ बताती हो? तो दुर्गा खड़ी हो जाती है, कहती कम ऑन मम्मा, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आप मुझे साइकेट्रिक के पास भेज देती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वहाँ पे नहीं जाना, पता है वहाँ जाके मुझे क्या लगता है कि शायद मेरा दिमाग ख़राब है तभी आप मुझे वहाँ भेज देती हैं। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुकून की नींद सो, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती, तुम्हें कुछ डरावने चीज़ें तंग करती हैं, तुम सो नहीं पाती हो, तुम डर के उठ जाती हो, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। दुर्गा बोलती अगर आप सच में चाहती हो ना कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए तो सबसे पहले ना अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से डिवोर्स ले लें। तो उसकी मम्मा कहती बेटा हम इस बारे में कितनी दफ़ा बात करेंगे, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? दुर्गा बोलती पापा माय फुट, वो मेरे कुछ नहीं लगते। तो दुर्गा की मम्मा कहती दुर्गा इनफ, और ऐसे बोल के थोड़ा गुस्सा करती हैं और चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। दुर्गा कहती है एक तो पता नहीं मम्मा को क्या हो जाता है, अपने हस्बैंड की ना बिल्कुल बुराई सुन ही नहीं सकती हैं, और मुझे क्या हो जाता है, मम्मा को नाराज कर दिया मैंने। और दुर्गा फिर सैड होकर बैठ जाती है क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अपनी मम्मा का उदास चेहरा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दुर्गा अपना गुस्सा जो है वो थोड़ा साइड पे करती है, अपने फेस पे स्माइल लाती है, कहती रिलैक्स दुर्गा रिलैक्स, कूल डाउन, मम्मा को उदास नहीं देखना ना, तो प्लीज़ मम्मा को
पास जाओ, उनसे सॉरी बोलो और बस उन्हें झट से मना लो। और दुर्गा ऐसे ही करती है, वो अपनी मम्मा के पास आती है, उनका हाथ थाम के उन्हें घुमाने लग जाती है, उनके साथ डांस करने लग जाती है, उन्हें सॉरी भी करती है, काफ़ी मस्ती करती है। एंड देन फाइनली उसकी मम्मा मान जाती हैं। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो दुर्गा की मम्मा कहती है कि जाओ बेटा तुम सो जाओ, थक गई होगी ना। दुर्गा बोलती है कि हाँ चलो मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाओ ओके। तो दुर्गा अपनी मम्मा को अच्छे से बाय शाय बोलती है, किसी विसी करती है, गुड नाइट विश करती है और अपने रूम में सोने के लिए आ जाती है। आज दुर्गा बहुत खुश थी, उसका दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था, मतलब सारे दिन उसने मम्मा के साथ मस्ती की थी तो सब ऑल ओके था। पर जब वो सोने लगती है तो पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक से सिमरन का ख्याल आ जाता है और सिमरन के साथ जो हुआ वो सब सोचने लगती है। और फिर उसे वो सिमरन की बात याद आती है जब सिमरन ने बोला था कि थैंक यू मेरी जान। और तो ऐसे बोल के दुर्गा एकदम उठ जाती है कि थी और का मतलब क्या था, इसका मतलब कुछ और भी, ऐसा क्या था जो सिमरन मुझे छुपा रही थी, कितनी बड़ी डवर है, उसे मुझे सब कुछ बताना चाहिए ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। पर वो व्हाटएवर जो भी है, कल पहले मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी कि उन लड़कियों का अब क्या करना है, फिर देखेंगे आगे क्या होना, और मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। और दुर्गा ऐसे बोल के आंखें बंद करके लेट जाती है। दुर्गा सोने की बहुत ट्राई करती है पर उसे नींद ही नहीं आ रहा होता, उसकी आंखों के सामने बार बार सिमरन का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा होता है। और दुर्गा एकदम उठ के बैठ जाती है, वो पानी का गिलास पीती है और कहती है रिलैक्स दुर्गा रिलैक्स, उस लड़की के बारे में इतना मत सोच, वो तेरी कुछ नहीं लगती है ओके, तेरा सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान से रिश्ता है और वो तेरी सिर्फ माँ, और तू सिर्फ अपनी माँ के लिए जीती है, किसी और की प्रॉब्लम में टांग अड़ाने की तुझे ज़रूरत नहीं है ओके। तो दुर्गा ऐसे खुद को समझाती है और फिर सो जाती है। दुर्गा सो तो जाती है पर उसे फिर से वही बुरी चीज़ें दिखाई देने लगती है, पता नहीं ऐसा क्या था जिसकी वजह से दुर्गा सो नहीं पाती है, उसको फिर से पसीने आने लग जाते हैं, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और एकदम चिल्ला के उठ बैठती है और इधर उधर देखती है कि उसके पास कोई नहीं था। दुर्गा गहरी सांस लेती है, अपना पसीना साफ करती है और कहती है थैंक गॉड मेरे चिल्लाने की आवाज़ से मम्मा नहीं उठ गई। दुर्गा ने ऐसे बोल के पानी का गिलास उठाया था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है। दुर्गा बोलती इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर रहा है, तो दुर्गा कहीं डर जाती है कि कहीं मम्मा को तो कुछ नहीं हुआ। दुर्गा अपना मोबाइल ही देखती है, वो बस भागते हुए अपने मम्मा के रूम में जाती है, देखती है कि उसकी मम्मा आराम से सो रही है। दुर्गा गहरी सांस लेती है और फिर कहती है मुझे इस टाइम कौन कॉल कर सकता है। और दुर्गा भाग के अपने रूम में आती है, वो अपना मोबाइल उठाती है और ये नंबर वो पहचानने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि ये तो सिमरन की आंटी का नंबर है। वो तुरंत कॉल बैक करती है और सिमरन की आंटी कॉल उठाती हैं और साथ में ना मतलब पीछे से काफ़ी रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, वो कहती क्या हुआ है आप कहाँ हो, इतना शोर क्यों आना है। तो वो बोलती है बेटा तुम क्या घर आ सकती हो, प्लीज़ बेटा प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। तो सिमरन को कुछ हो गया, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। तो वो थी व्हाट सिमरन को क्या हुआ है, तो दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता और वो आंटी से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही होती, वो बहुत पैनिक कर रही होती है और बार बार बस इतना बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज़ बेटा घर आ जाओ, प्लीज़ 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। दुर्गा कॉल कट करती है, वो टाइम देखती है, बहुत ही रात हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आता कि इतनी रात को वो क्यों बुला रही है। खैर वो अपना हेलमेट और बाइक कीज लेती है और अपनी बाइक लेके जो है वो निकल जाती है। वो जैसे ही सिमरन के घर जाती है, सिमरन की आंटी दरवाज़ा खोलती है और तभी जो है वो दुर्गा को आवाज़ आने लगती है रोने की, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। वो भाग के अंदर जाती है तो देखती है कि सिमरन पागलों की तरह रिएक्ट कर रही है, सिमरन के बाल सारे बिखरे हुए हैं, वो रो रही है। एक बार तो दुर्गा उसे देख के कहते कि आंटी इसमें कोई माता तो नहीं आ गई, हाँ ये काली माता तो आ गई इसमें, सच बताना। तो दुर्गा ऐसे थोड़ा घबराने लगती है, नहीं 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 बेटा पता नहीं से क्या हो गया, कब से ऐसे पागलों की तरह रो रही है ना, मुझसे कुछ बात करी है ना, मुझे कुछ बता रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दुर्गा थोड़ा उसके करीब जाती है, दुर्गा देखती है कि शायद तो कुछ तो है जो ये छुपा रही थी और उसी बात से इसकी यह हालत होगी। तो उसका हाथ थामते उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है पर सिमरन पागलों की तरह रो रही थी, वो किसी की बात भी नहीं सुन रही थी ना किसी की तरफ देख रही थी। तो दुर्गा को सिमरन की हालत देख के पता नहीं क्यों कुछ याद आने लगता है और दुर्गा आंखें बंद करती है, वो गहरी सांस लेती है और फिर सिमरन के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामती है और उसका हाथ थाम के कहती है सिमरन रिलैक्स, इधर देखो मेरी तरफ देखो, इट्स ओके मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सिमरन रिलैक्स हो जाओ, इधर देखो प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो सिमरन दुर्गा की तरफ रो मतलब देख ही नहीं रही थी, बस रो रही थी। तो दुर्गा एक हाथ से सिमरन का फेस पकड़ती है, उसे अपनी तरफ करती है और सिमरन फाइनली दुर्गा की तरफ देखती है। दुर्गा सिमरन की आंखों में आंखें डालती है और कहती है रिलैक्स इट्स ओके कुछ नहीं होता, हाँ तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, तुम किस चीज़ से डर रही हो बताओ मुझे,
क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो सिमरन कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस दुर्गा की आंखों में देख के रो रही थी। और दुर्गा सिमरन की आंखों में ना बहुत ही भयानक वाला डर देख लेती है और एक दर्द भी देख लेती है। और वो तुरंत सिमरन को हक कर लेती है, और वो जैसे सिमरन को हक कर लेती है, सिमरन उसे जोर से हक करती है और बस जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। तो दुर्गा उसके बालों में हाथ फेरती है, बोलती सिमरन रिलैक्स, इट्स ओके, हाँ प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी आंटी है तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज़ बस एक बार शांत हो जाओ। और दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन को थोड़ा सा शांत कर दिया। थोड़ी देर के बाद सिमरन थोड़ी शांत हो जाती है, तो दुर्गा उसके आंसू पोंछती है। और तभी वो पूछती है कि सिमरन क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मुझे पता तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, जब तक तुम मुझे सब नहीं बताओगी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्या हुआ है तुम्हें? तो सिमरन रोने लग जाती है, वो मतलब कुछ कुछ बोल तक नहीं पा रही होती। दुर्गा एक बार फिर उससे पूछती है, पर सिमरन कुछ नहीं बोलती है। तो दुर्गा को गुस्सा आ जाता है, दुर्गा उसका हाथ पटक देती है और खड़ी हो जाती है, कहती फाइन, तुम्हें ना मासूम और बेचारा बनने का ना शौक है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें खुद की हेल्प खुद नहीं करनी, तो मैं तुम्हारी क्या खाक हेल्प करूंगी, मैं जा रही हूँ। एंड हाँ आंटी, अब मुझे कॉल करके ना डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये लड़की चाहती भी नहीं है कि हम इसकी हेल्प करें, तो आप भी परेशान हो और चुपचाप के सो जाओ। और ऐसे बोल के जैसे दुर्गा जाने लगती है, सिमरन बोलती है प्लीज़ हेल्प मी, और दुर्गा यूँ पीछे होती है, कहती वॉट, कैसे करूं मैं तुम्हारी हेल्प, तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो दुर्गा बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाती है, तो सिमरन ने अपना दुपट्टा उतार दिया। दुर्गा देखती है कि उसके मतलब नेक पे ना सारे रेड रेड निशान हुए हुए, सारे रैशेज हुए हैं। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, दुर्गा एक मिनट के लिए शांत हो जाती है और बस उसके नेक को ही देखती रहती है। और फिर दुर्गा थोड़ा रिलैक्स होती है, वो थोड़ा सा सिमरन के पास आती है और कहती है कि ये क्या हुआ तुम्हें? और दुर्गा ऐसे बोल के जैसे टच करने लगती है, सिमरन उसका हाथ पीछे कर लेती है और रोने लगती है। दुर्गा बोलती है रिलैक्स, मैं तो बस क्या मैं देख सकती हूँ? तो दुर्गा आंखें बंद कर लेती है और सिमरन के नेक पे ना यूँ हाथ रखती है, आंखें बंद करके वो उसके नेक को यूँ टच करती है और फिर आंखें खोल के देखती है कि जहाँ पे रेड रेड है वहाँ पे उस रेड रेड के अलावा भी कुछ निशान है। तो दुर्गा जो है मतलब रूम में काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा रोशनी नहीं थी, रात का टाइम था, एक आध लाइट चल रही थी। तो वो आंटी को बोलती है कि आंटी सारे बल्ब चला दो, तो आंटी सारे के सारे बल्ब चला देती है। और दुर्गा देखती है कि उसके वहाँ पे रेड रेड निशान के साथ ना बाइट के भी निशान है, और ये कोई और बाइट नहीं बल्कि लव बाइट थी। दुर्गा एकदम परेशान हो जाती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि देखिए ये कैसे। तो इससे पहले सिमरन कुछ बोले तो सिमरन की आंटी बोलती बेटा ये क्या हुआ है, ये तुम बताओगे मुझे? तो वो तो सिमरन से भी ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है। दुर्गा खड़ी होती है, वो आंटी का हाथ पकड़ती है, कहती रिलैक्स हो कि आप उसे पैनिक कर दोगी, आप रूम से बाहर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। तो उसकी आंटी कहती बेटा पर वो, तो दुर्गा बोलती रिलैक्स मैं हूँ ना, मैं उससे बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो आंटी को बाहर निकाल देती है और रूम लॉक कर देती है और सिमरन के पास आती है, कहती देखो सिमरन यहाँ पे अब सिर्फ तुम और मैं, तो प्लीज़ जो भी है मुझे साफ साफ बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सिमरन रोते हुए कहती मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तुमने मुझे लड़कों से तो बचा लिया था पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इज्जत को सिर्फ लड़कों से नहीं बल्कि लड़कियों से भी खतरा है, उन्होंने मेरे साथ। तो इस तरह रोते हुए सिमरन जी अब दुर्गा को सब कुछ बता दे दिया। दुर्गा जैसे सुनती है गुस्से से आग बबूल हो जाती है, वो ऐसे अपने हाथ की मुट्ठी को यूँ बंद करती है, वो सिमरन का हाथ पकड़ती है और कहती रोने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। सिमरन कहती कहाँ लेके जा रही हो, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना। दुर्गा बोलती तुम सारी जिंदगी ऐसे रो दोगे, अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो क्या? हाँ तुम उनसे डरती हो इसलिए वो तुम्हें डराती हैं, चलो मेरे साथ, बहुत हो गया डर डर कर जीना, कब तक ऐसे जीते रहोगी, चलो। पर सिमरन मना कर रही होती है कि मुझे नहीं जाना, तो दुर्गा उसे कहती है शट अप, ओके अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे ही मुंह तोड़ूंगी, समझे तुम? तो दुर्गा सिमरन पे गुस्सा करती है, जिसकी वजह से सिमरन एकदम सहम जाती है और शांत हो जाती है। दुर्गा दरवाज़ा खोलती है और वो सिमरन का हाथ पकड़ते हुए उसे घर से बाहर लेके जाने लगती है। आंटी उन दोनों के पीछे भागती होगी थी, दुर्गा बेटा तुम कहाँ लेके जा रही हो इसे? तो दुर्गा कहती है जब तक ये डरती रहेगी और भागती रहेगी ना लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, मैं इसको लेके जा रही हूँ, इसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना होगा। तो कहती नहीं बेटा ये नहीं कर पाएगी, ये इसे नहीं होगा, ये बहुत मासूम है, तुम प्लीज़ इसे कहीं मत लेके जाओ। दुर्गा बोलती आंटी आप चाहती हो ना किसके साथ ये सब दोबारा ना हो, तो इसको मेरे साथ जाने दें, एंड ट्रस्ट मी इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। दुर्गा ऐसे बोल के अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वो सिमरन को बोलती है बैठो, पर सिमरन नहीं बैठ रही होती। दुर्गा जोर से चिल्लाती है बैठो सिमरन,
तो सिमरन सहम जाती है और वो दुल्हन जो है वो बाइक पे बैठ जाती है। दुर्गा जो है वो गुस्से में वूम 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 करके बाइक चला रही होती है, और बाइक चलाते हुए ये लोग वापस उसी सोसाइटी में चले जाते हैं। और सिमरन बहुत घबरा जाती है। सिमरन बोलती है हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ दुर्गा बोलती हम उन लड़कियों का मजा चखाना है, चलो मेरे साथ। सिमरन बोलती पर वो यहाँ थोड़ी होंगी, वो सब तो अपने घर जा चुकी होंगी ना। दुर्गा बोलती है कि नहीं वो सब ड्रंक थी, और ऐसे में कोई भी अपने घर नहीं जाएगा, वो लोग इधर ही होंगी, चलो मेरे साथ। पर सिमरन रोने लग जाती है कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे नहीं लेके जाओ, मुझे नहीं जाना। दुर्गा उसे ज़बरदस्ती अपने शोल्डर पर उठा लेती है। सिमरन उसे पीछे से मुक्के छुक्के मारती रहती है, जितना उसके हाथ पर चल सकते थे वो चलाती है कि उतारो मुझे, नीचे छोड़ो, मुझे नहीं जाना। पर दुर्गा उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। दुर्गा जो है उसे उसी रूम के बाहर ला के खड़ा कर देती है जहाँ से सिमरन को निकाल के गई थी। सिमरन भागने लग जाती है, वो रूम देख के डर जाती है। दुर्गा उसको रोक लेती है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकल के आती है, जो मतलब बड़ी थी, जो उनकी हेल्प करने आई थी। वो दरवाज़ा खोलती है, दुर्गा को देखते तो बंद करने लगती है, पर दुर्गा ज़ोर से टांग मारती है और वह लड़की नीचे गिर जाती है और दरवाज़ा पूरा खुल जाता है। सिमरन का हाथ पकड़ती है दुर्गा और उसे जो है उस फ्लैट के अंदर लेके चली जाती है। और सिमरन और दुर्गा को देख के ना मतलब चारों लड़कियाँ खड़ी हो जाती है, जो पहले टल्ली हो चुकी थी वो भी अब होश में आ गई थी। सिमरन की तरफ दुर्गा देखती है और कहती है कि सिमरन तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत किसने की थी? तो सिमरन एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह सामने ही लड़की खड़ी होती है, उसे आंखों से इशारा कर रही होती है कि नहीं तुमने नहीं बताना। तो दुर्गा देख लेती है सिमरन किसको देख के ज़्यादा डर रही है, और वो उसको कॉलर पकड़ती है और उसे पीटने लग जाती है। और सिमरन जो है वो खड़ी होकर बस रो रही थी, तो दुर्गा जो है वो सिमरन का हाथ पकड़ती है, उसे उस लड़के के गाल पे अपने मतलब अपना हाथ सिमरन का हाथ पकड़ के ना सिमरन के हाथ से उस लड़की को थप्पड़ मरवा रही होती है। और वो लड़की चुपचाप बस खड़ी होती है, क्योंकि कोई भी इस टाइम दुर्गा का गुस्से को फेस नहीं कर सकता था। और सिमरन जो है वो बड़ा उसको मतलब रोक रही थी कि नहीं मुझे नहीं मारना, पर दुर्गा बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई सिमरन? इन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम कह रही हो कि तुम इससे पीट नहीं सकती? तुम जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए, इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियाँ ये डिजर्व करती हैं। तुम जैसी लड़कियाँ ना जो डरती हैं, रोती हैं, सहमती हैं, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना ऐसी फजूल लड़कियों की ना हिम्मत बढ़ती है और वो ऐसे कांड करती हैं। तो तुम्हारी वजह से ना और कितनी बच्चों मासूम बेचारी लड़कियों के साथ ये सब होगा, उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज तुम इन्हें नहीं पीटोगी ना तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी, जो इन्होंने आज तुम्हारे साथ किया ये कल किसी और लड़की के साथ करेंगे और फिर किसी और के साथ करेंगे, और सिलसिला चलता रहेगा। एंड थैंक्स टू यू सिमरन बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिमरन कहती नो 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 प्लीज ऐसा मत बोलो। दुर्गा पति ऐसा ही है जो सच्चा, मैं सिर्फ तुम्हें वही बता रही हूँ। तुम तो डरफोक हो, तुमने अपनी जिंदगी तो नरक बनाई है, साथ साथ दूसरी लड़कियों की भी बनाओगी। हर कल को तुम्हारी बेटी होगी तो तुम उसे क्या सिखाओगी कि बेटा अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो करने देना, अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले तो डालने देना, पलट के जवाब मत देना, यही सब सिखाओगी ना उसे? सिनोमती जस्ट शट अप दुर्गा, जस्ट शट अप। दुर्गा बोलती वाह मुझ पे चिल्ला सकती हो, इन पे गुस्सा नहीं निकाल सकती, तुम जैसी लड़कियाँ ना बस यही कर सकती है, रो धो के ड्रामा कर सकती हो, सीन क्रिएट कर सकती हो, पर अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकती। तुम जैसी लड़कियाँ ना पता क्या चाहती हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग कोई शहजादा आए जो आके ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम से तुम्हें निकाल के ले जाए, पर तुम खुद कुछ नहीं करोगी, सिर्फ उस प्रिंस चार्मिंग का वेट करोगी और वेट करते करते एक दिन मर जाओगी अगर वो प्रिंस चार्मिंग नहीं आया तो। तो सिमरन को मतलब दुर्गा इतना कुछ सुना देती है, इतना कुछ सुना देती है, इतना कुछ सुना देती है ना बुरा भला कि सिमरन रोने लग जाती है। दुर्गा से बोलती वाह सिमरन ग्रेट, तुम ना सिर्फ रो ही सकती हो क्योंकि तुमसे कुछ और होता तो है नहीं। और दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन कूदनी छोड़ के जाने लगती है। तो सिमरन जो है वो आगे बढ़ती है और वो उस लड़की को जो है थप्पड़ मार देती है जिसने मतलब सिमरन की नेक पे बाइट किया था। और वो कहती तुम्हारी तो, और वो देखते हैं कि दुर्गा तो जा चुकी है, तो वो सिमरन के फेस को भी पकड़ती हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी दुर्गा जो है वो वापस आती है और इस बार जो है वो दुर्गा के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा था, जिसे देख के एकदम सारी की सारी पीछे हो जाती है। चारों अभी भी नशे में थी, दो तो कुछ ज़्यादा ही नशे में थी जो फाइट तो कर ही नहीं सकती थी, और दो जो है वो मुकाबला कर रही थी, और ये दो वही थी जिन्होंने सिमरन के साथ बदतमीजी की थी। और सिमरन जो है वो एकदम परेशान होती है और वो पीछे होती है कि दुर्गा खड़ी है, तो सिमरन की सांस में थोड़ी सांस होती है, और उसके बाद वो अपनी चप्पल उतारती है और उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियां ना सारी लड़कियों का नाम खराब करती हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और ऐसे बोल के उसको अपने जूते से पीटने लग जाती है। उन दोनों को इनफैक्ट अपने जूते से पीट रही थी। और फिर दुर्गा कहती है कि सिमरन बस इतना ही करोगी, इन्होंने तुम्हारे जिस्म पे घाव दिया और तुम बस एक दो चप्पल, क्या यार
मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए ये डंडा उठा के आई थी, लगता है ये वेस्ट ही हो जाएगा। और दुर्गा ऐसे बोल के डंडा नीचे फेंक देती है, और सिमरन दुर्गा का इशारा समझ आती है और वो तुरंत नीचे से डंडा उठाती है। और वो दोनों लड़कियाँ कहती सिमरन नहीं ये मत करना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सिमरन उन्हें ज़ोर ज़ोर से पीटने लग जाती है उन डंडे से, और कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम लोगों से नहीं डरती। और ऐसे बोल के उन्हें बहुत बुरी तरह पीटती है, और वो दोनों लड़कियाँ जख्मी हो चुकी थी, उन दोनों के सर से खून निकल रहा था क्योंकि सिमरन ज़्यादा सर पर मार रही थी। और सिमरन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि वो रुक भी नहीं रही थी, उनका इतना खून निकल रहा था, फिर भी वो मारी जा रही थी, मारी जा रही थी, मारी जा रही थी। तो दुर्गा उसे यूँ पीछे से हक करती होगी थी, बस 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 सिमरन, और ऐसे बोल के उसे उठा के नहीं वो अपने पीछे कर देती है, और कहती है कि तुम लोगों के साथ ना यही होना चाहिए, एंड नेक्स्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ सिमरन के आजू बाजू से भी कहीं गुजर गए ना और मुझे पता चल गया तो तुम सबको ना छील के रख दूंगी, चलो सिमरन। और ऐसे बोल के सिमरन का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। सिमरन बोलती है वेट दुर्गापति अब क्या। तो सिमरन उन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है जो अभी भी सोफे पर मतलब टल्ली पड़ी थी, मतलब जाग रही थी, होश में थी, सब देख रही थी, पर ज़्यादा उन्हें होश नहीं था। तो दुर्गापति इनसे भी बदला लेना है, सिमरन बोलती किडनैप तो इन्होंने भी मुझे किया था ना। तो ऐसे बोल के सिमरन जो है वो उन दोनों को भी डंडा उठा के पीटने लग जाती है। दुर्गा खड़े होकर बड़े मज़े ले रही थी, उससे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि आज वो फाइट कर नहीं रही थी, वो फाइट देख रही थी, इसलिए वो आराम से हाथ बांध के बस देख रही थी फाइट। और जैसे ही नशे में वाली एक लड़की जो है वो ऐसे ही सिमरन को धक्का देती है ना, सिमरन गिरने वाली होती है, तो दुर्गा उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। और यहाँ पे एक बार फिर से क्यूट सा मोमेंट बढ़ जाता है, सिमरन जो है वो दुर्गा की बाहों में थी और इन दोनों की आंखें जो है एक दूसरे की आंखों से टकरा जाती हैं, और बस जब एक दूसरे की आंखों में देखना चालू करते हैं ना, ओह माय गॉड, तो बस देखते रह जाते हैं। और ये तो एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब भी आने लगे थे कि तभी वह लड़की जो है वो पीछे से आके दुर्गा के मतलब बैक पे ना डंडे से वार कर देती है। तो दुर्गा एकदम सिमरन को छोड़ देती है, सिमरन नीचे गिर जाती है जिससे वो चिल्लाती है। तो दुर्गा यूँ पीछे होती है और उस लड़की के हाथ से डंडा लेती है, और वही डंडा लेके उल्टा उसको ही पीटने लग जाती है। और फिर दुर्गा हंसते हुए यूँ नीचे बैठती है और सिमरन की तरफ हाथ बढ़ाती है, सिमरन भी उसके हाथ में अपना हाथ देती है, और फिर दुर्गा उसे यूँ खड़ा कर लेती है। और ये दोनों जो है उन दोनों को अच्छी तरह मतलब उन चारों को अच्छी तरह पीटने के बाद जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ये लोग दुर्गा की बाइक के पास आते हैं, दुर्गा जो है वो सिमरन को थैंक यू बोलने लग जाती है। दुर्गा बोलती है अभी नहीं, अभी एक और चीज़ है, उसके बाद तुम मुझे थैंक यू बोलना। सिमरन बोलती क्या। दुर्गा बोलती बाइक पे बैठो। तो सिमरन बाइक पे बैठती है, दुर्गा बाइक स्टार्ट करती है, वो बाइक स्टार्ट करते हुए एक जो है वो ऊंचाई वाली जगह पे लेके चली जाती है जिससे जो है पूरा शहर दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लाइटिंग ही लाइटिंग थी। और सिमरन उस जगह को देखने लग जाती है कि थी वाओ, दुर्गा बोलती इसकी ब्यूटी दिखाने के लिए नहीं लेके आए, यहाँ पे आने का एक फ़ायदा है। सिमरन कहती क्या। तो दुर्गा कहती जितनी फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो, जितना गुस्सा है निकाल दो और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता और दुर्गा हंसते हुए यूँ पीछे होती है, वो अपनी आंखें बंद करती है, दोनों बाहें फैलाती है और ज़ोर से चिल्लाती है आ करके। और सिमरन ऐसे दुर्गा को देख रही थी, दुर्गा उसे बोलती व्हाट तुम भी करो ना, पर सिमरन कर नहीं रही होती। दुर्गा बोलती अरे चिल्लाओ बहुत अच्छा लगेगा। तो सिमरन ऐसे पहले हल्का सा चिल्लाती है, दुर्गापति अरे आराम से क्यों चिल्ला रही हो, थोड़ा लाउड। हाँ तो सिमरन सही से चिल्ला नहीं पा रही होती, फिर दुर्गा उसे कहती है कि देखो तुम्हारे माइंड में इस टाइम जितनी टेंशन है, जितने लोगों ने तुम्हें तंग किया है, परेशान किया, उन सब के बारे में सोचो, जितना गुस्सा था सब चिल्ला के निकाल दो। और सिमरन ऐसे ही करती है, और वो एक बार चिल्लाना शुरू जो करती है वो रुकती नहीं है, वो बस चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, और उसको ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है। और दुर्गा कहती बस 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 रिलैक्स सिमरन, बस निकल गया तुम्हारा सारा गुस्सा। और उसके बाद सिमरन दुर्गा को देख के हंसने लग जाती है और फिर उसे एक टाइटली हग कर लेती है। तो दुर्गा एकदम यूँ परेशान हो जाती है क्योंकि उससे उसकी माँ के अलावा कोई हग नहीं करता था, तो सिमरन उसे हग कर चुकी थी। तो दुर्गा एकदम यूँ पीछे हो जाती है, सिमरन बोलती सॉरी मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो दुर्गा बोलती है कि ये सब तो मैंने मेरे लिए किया है, अब तुम सीख गई हो लोगों से बदला कैसे लेना है, अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आज से मैं आज़ाद, अब कल से तुम एक नया रूप धारोगी और सिमरन नहीं बन के जाऊंगी, सिमरन 2.0, और कॉलेज में जाते ही धमाल कर दोगी, जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया ना अब तुम उन सबको परेशान करोगी। सिमरन बोलती पर मैं, दुर्गा बोलती पर मैं ये वो ये सब नहीं चलेगा समझी। तो सिमरन मुस्कुराती है, दुर्गा बोलती वैसे तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, तो मुस्कुराती रहा करो, अब जल्दी से बैठो मुझे घर भी जाना है। सिमरन बोलती है तो दुर्गा और सिमरन दोनों बाइक पर बैठते हैं और दुर्गा जो है वो बाइक चलाने लग जाती है। और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग सिमरन के घर पहुंच जाते हैं, सिमरन के घर जाने के बाद सिमरन बाइक से नीचे उतरती है पर वो अंदर नहीं जाती, वो बस दुर्गा को ही देख रही थी।
दुर्गा अपना हेलमेट निकालती है और कहती है जाओ अब अंदर देख क्या रही हो मुझे। तो सिमरन जो है वो ऐसे डोरबेल बजाती है, उसकी आंटी बाहर आती है जो सिमरन को देख के हग करती है, कहती बेटा तुम ठीक तो हो ना। सिमरन बोलती मैं ठीक हूँ। तो कहती दुर्गा बेटा तुम वहाँ क्या कर रही हो, अंदर आओ। दुर्गा बोलती नहीं आंटी मुझे घर जाना है, एक्चुअली मम्मा के लिए बाय। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। पर सिमरन अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो तो अभी भी बस दुर्गा को जाते हुए देख रही थी। तो उसकी आंटी कहती बेटा क्या हुआ सब ठीक तो है ना। तो सिमरन कहती हाँ आंटी सब ठीक है। और ये अंदर आ जाती है और आंटी उससे पूछती है कि वो तुम्हें कहाँ लेके गई थी, कहीं उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं आंटी वो मुझे हर्ट कैसे कर सकती है, इनफैक्ट उसने तो मुझे जीना सिखा दिया, उसने मुझे नई जिंदगी दी है। तो उसकी आंटी बोलती मतलब दुर्गा दुर्गा ने ऐसा भी क्या कर दिया। सिमरन बोलती है कि उसी ने तो सब कुछ किया है, आपने सही कहा था मुझे डर डर के नहीं जीना चाहिए, और दुर्गा ने मुझे जीना सिखाया है। उसने मुझे सिखाया है कि प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को देख के भागना या रोना नहीं चाहिए। अब कल से मैं कॉलेज जाऊंगी और कल से मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तो उसकी आंटी बोलती नहीं नहीं बेटा तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगी, मैं ट्राई कर रही हूँ किसी और कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। पर सिमरन साफ मना कर देती है, कहती है कि मुझे मेरी मेहनत की वजह से ये सीट मिली थी इस कॉलेज में, आप तो अच्छे से जानती है ना, मैं ऐसी ये सीट छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी और इसी कॉलेज में पढ़ूंगी और फिर से टॉप भी करूंगी। और ऐसे बोल के सिमरन अपने रूम में चली जाती है और जाके लेट जाती है। उसे दुर्गा की सारी बातें याद आने लगती हैं और सिमरन बातों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है। और वो डिसाइड करती है कि अब से वाकई जैसे दुर्गा ने बोला था कि सिमरन 2.0 बन जाओ, कहती है कि मैं वाकई बन जाऊंगी और अब से मैं खुद को प्रोटेक्ट खुद ही करूंगी, दुर्गा को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। वहाँ दुर्गा घर जाती है और दुर्गा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो घर जाते ही थोड़ा यूँ डांस करती है और फिर बेड पर लेट जाती है, गहरी सांस लेती है। और दुर्गा को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, उसे लगता है कि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा चिल्ला चिल्ला के निकाल आई थी इसलिए। पर असल में उसे अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आज उसने एक लड़की की हेल्प करी थी। और उस दिन दुर्गा जो है सोती है और उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है, काफ़ी टाइम बाद वो सुकून का सोती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले प्यार से छोटी सी नर्मल सी रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।